है उसी के बारे में थोड़ा सा इंटरनली चेकआउट करते हैं। अब हमारे पास ना एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग, ठीक है। यानी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कास्टिंग। कास्टिंग है क्या पहले तो जानते हैं। एक प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन कंपैटिबल डेटा टाइप टू अनदर कंपैटिबल। एक कंपैटिबल टाइप से दूसरी कंपैटिबल टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कास्टिंग कहते हैं। पर पूरे प्रोसेस में अभी तक हमें ये नहीं पता कंपैटिबल डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक कंपैटिबल डेटा टाइप चार्ट। इस चार्ट के अकॉर्डिंगली कैर छोटा माना जाता है शॉर्ट से, शॉर्ट छोटा माना जाता है इंट से, इंट छोटा माना जाता है लॉन्ग से, लॉन्ग छोटा माना जाता है फ्लोट से, फ्लोट छोटा माना जाता है डबल से। और दिस चार्ट अकॉर्डिंग टू स्मॉलर टाइप टू लार्जर टाइप, ठीक है। पहले बात तो आपके माइंड में ये चार्ट ध्यान में होना चाहिए। और देर आर टू फॉर्म ऑफ कन्वर्जन। अब आप क्या दो तरह की कन्वर्जन हो सकती है, पहली स्मॉलर टू लार्जर, सेकंड लार्जर टू स्मॉलर। हो सकती है कि नहीं हो सकती, मतलब छोटे को बड़े में लेके जा रहे हो, बड़े को छोटे में लेके जा रहे हो। तो मैं कुछ प्रोग्राम बना रहा हूं जिस प्रोग्राम में मेरा डेमोन्स्ट्रेशन क्या रहेगा, ये काम कैसे करता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस कई बार आंसर वो नहीं देते जो हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, कुछ और ही दे देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ आया, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला काम मैंने एक नंबर लिया, इसके अंदर मैंने 545 लिया और एक फ्लोट आंसर लिया। मैंने आंसर में नम साइन कर दिया। अब ये सिचुएशन क्या बनी है, एक इंडीजर है जो अकॉर्डिंग टू चार्ट छोटा है और फ्लोट अकॉर्डिंग टू चार्ट बड़ा है। आप छोटे से बड़े में वैल्यू साइन करो, ठीक है। और यहां लिखा आंसर परसेंट एफ आंसर दे। अब होगा क्या इस केस में, इन दैट केस सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली कास्ट और कन्वर्ट दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। परफॉर्म द कास्ट एंड नोन एज इम्प्लिसिट कास्ट। इसको इम्प्लिसिट कास्ट बोलते हैं, ये अपने आप संभाल लेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैं इस कोड को चलाऊंगा, अभी तक ना हमारा चलाने का तरीका अलग होता था, मैं एक नया तरीका सिखा रहा हूँ। यहाँ इस टैब पे राइट क्लिक करो, क्या है कुछ ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सी एम डी जी सी सी 10.c लिखा तो उसने कन्वर्ट कर दिया ऐसे कैसे, ठीक है। मतलब एक अब आपको बार बार उस फोल्डर तक पहुँचने का प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्ट काम कर सकते। अब ये डन हुआ, अगला स्टेप मैंने आंसर में 4.65 डाल दिया। अब क्या होगा, अब ये कौन सी सिचुएशन बन रही है, नहीं केस क्या बन रहा है, फिक्स तो हो जाएगी। बट ये क्या है, फ्लोट है डबल है, डबल है। आपको कैसे पता लगा डबल है, फ्लोट में तो एफ होता है, ठीक है, फ्लोट में एफ लगता है, ठीक है। तो ये वाला केस बन गया। अब गुड न्यूज ये है, इन दैट केस सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म द कास्ट एंड नोन एज इम्प्लिसिट कास्ट। ये भी अपने आप कर लेगा, देयर इज नो इशू, मतलब ये भी अपने आप हो जाता है सी लैंग्वेज के अंदर, ये काम अपने आप कर देगा और नो इशू, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है।
But in some cases, there may be some loss of data. वो केस क्या होगा, अगर मैंने num में आंसर असाइन कर दिया, अब क्या होगा? num क्या है? इंटीजर. अब इंटीजर के केस में क्या होगा? इंटीजर इज नॉट कैपेबल टू होल्ड 0.65. तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, उस 0.65 को डिस्कार्ड कर देगा. डन ये चीज. तो दिस इज द इशू. ठीक है, और अब चलाया. तो यानी कि जब आप कोई एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रोग्राम में बना रहे हो, तो इसको आपने कंसिडर करना है. अगर आपने इसे कंसिडर नहीं किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा. और अगर 0.65 का लॉस हो गया तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो डिफरेंट होगा. तो इसलिए जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो नेचर ऑफ वैल्यूज को एनालाइज करो, उसके हिसाब से वेरिएबल डिक्लेयर करो. यानी कि इंटीजर है तो हमेशा इंटीजर ही लेते रहो, तो ये नहीं. आप नेचर देखो, नेचर के बाद डिसाइड करो. क्योंकि ये कमिंग जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसमें यही आपको लर्न करना है कि मुझे फ्लोट लेना है या इंटीजर लेना है या डबल लेना है. ठीक है, तो लार्जर टू स्मॉलर वाला केस हो गया. अब इसी कास्टिंग के अंदर एक टॉपिक आता है टाइप प्रमोशन. और देयर आर टू. सर वो दोनों केसेस में इम्प्लिसिट कास्ट ही हो रहा है. वो आपको पता है इसलिए आप पूछ रहे हो, इन्होंने नहीं पूछा, इनको पता ही नहीं है. उनको सुनो उसको मैं भी इंट्रोड्यूस करूंगा, पर मेरा इंट्रोड्यूस करने का तरीका डिफरेंट होगा. ठीक है वो भी, पर अभी मैंने बताया नहीं. दोनों वो अपने आप करता है. और देखो प्रूफ भी कर दिया मैंने, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं एक्स्ट्रा, अपने आप कर दिया उसने. पर पॉइंट क्या है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, काम करते हुए ये चीज मालूम होनी चाहिए. जो देखो अभी प्रोग्राम इसके बिना भी चल जाते हैं इस नॉलेज के, लेकिन अब पता है तो आपको आइडिया रहेगा ना कि मेरा प्रोग्राम गलत आंसर क्यों दे रहा है. जैसे आपने पूछा था वो क्यों दे रहा है, ये कहानी है उसके पीछे जो चल रही है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं. मैं अब आपको एक और बैकग्राउंड वर्किंग बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता होता तो पीछे ये काम हो रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं दे आर टू टाइप ऑफ टाइप प्रमोशन सिचुएशन. हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ टाइप प्रमोशन अपने आप होते हैं. व्हेन इन एन एक्सप्रेशन देयर इज शॉर्ट और कैट टाइप वैल्यू प्रेजेंट देन सी कंपाइलर कन्वर्ट दीज टाइप इनटू, कन्वर्ट तो नहीं बोलते हम, इसे प्रमोट बोलते हैं. प्रमोट दीज टाइप इनटू इन टाइप, मतलब आप किसी एक्सप्रेशन में करेक्टर यूज कर लो. अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ है 11.0, मैंने एक नम लिया और मैंने यहाँ पर एक करेक्टर सी एच लिया. मैंने यहाँ एक प्रोग्राम बनाया एंटर एनी सॉरी सी लगना था यहाँ पर. मैंने नम में क्या साइन कर दिया, ये एक्चुअल में स्काई होता है. ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं. अब देखो सी एच को साइन किया, एक्सप्रेशन है असाइनमेंट की, इसने ऑटोमेटिकली सी एच को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में. बट एक छोटा सा मैं बताता हूं आपको, एवरी करेक्टर इन सी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज सॉरी इन कंप्यूटर is treated as an integer internally, which is known as its ASCII code. एक American National Standard का ASCII code है. तो मैं अब हल्का सा आपको एक chart दिखा देता हूँ. Character और उसका ASCII code. ठीक है, capital A का ASCII code है 65. कैपिटल जेड का है 90, बी का क्या हुआ 66, जैसे ए टू जेड लिख लो. स्मॉल ए का है 97, स्मॉल जेड का है 122,
स्पेस का है 32, जीरो डिजिट का है 48, नाइन का है 57, बाकी स्पेशल सिंबल का याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो ये मैंने प्रोग्राम बनाया इसमें दिखाता हूँ, कैपिटल ए का क्या आ रहा है 65, स्पेस का 32, ठीक है। तो ये चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो आपको पता लग गया कि ठीक है ऐसा आप बैकग्राउंड में होता है। अब हम बात करते हैं एक और सिनेरियो की बात करते हैं। अब व्हेन इन एन एक्सप्रेशन देयर इज डिफरेंट कंपैटिबल डेटा टाइप वैल्यू प्रेजेंट देन सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्रमोट देम into bigger compatible convert smaller compatible type into larger compatible type present in an expression, ठीक है। तो वो उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, सिनेरियो बनाते हैं फिर देखते हैं। मैं यहाँ आया, मैंने एक फ्लोट आंसर लिया, आंसर में मैंने 4/3 लिया। आप इसका आंसर क्या एक्सपेक्ट करते हो ये बताओ मुझे। वन पॉइंट समथिंग चलाता हूँ, पर 1. समथिंग नहीं है, 1.0 जरूर है। अब होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करो। इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप क्या है? जब इंटीजर इंटीजर के साथ एक्सप्रेशन में आ रहा है तो आंसर विल बी इन इंटीजर, तो ये उस डेसिमल पार्ट को नहीं ले रहा, ठीक है। फिर आंसर आया 1, 1 किस में साइन हो रहा है, फ्लोट में, तो यहां होगी कास्टिंग। तो उसने 1 को क्या बना दिया, 1.00। अब मैं थोड़ा सा सीन बदलता हूँ, मैंने यहाँ क्या कर दिया, अब क्या है एक्सप्रेशन में, एक इंट है एक फ्लोट है, तो कंपाइलर काम करने से पहले छोटा कौन है इंट, बड़ा कौन है फ्लोट, तो इंट को किस में कन्वर्ट करेगा, तो अब दोनों क्या बन गए फ्लोट फ्लोट, तो आंसर विल बी इन फ्लोट। अब आपका आंसर आएगा 1. तो जो आपने वो प्रोग्राम किया है उसका ये है, तो जब आपने 4/3 लगा दिया और अगर वो इंटीजर इंटीजर है वो काम नहीं करेगा। इसको एक सिनेरियो लेता हूँ, आप यहाँ आओ, आपने 4/3 लिया और मल्टीप्लाई बाय 4.5 ले लिया, आंसर क्या आना चाहिए। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, क्या है दोनों इंटीजर, तो आंसर विल बी इन इंटीजर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो 4.5 ही आंसर आएगा। पर लेकिन अब सीन ये वाला करते हैं, और यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाय 4.5, अब आंसर क्या आएगा, अब आपका आंसर डिफरेंट आएगा। अब कितना वेरिएशन होता है, मतलब जब आप करें काम तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब एक सिचुएशन और लेते हैं, तो कास्टिंग प्रमोशन इनका आइडिया लग गया, और ये क्रूशल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मान लो बाद में आपने सॉफ्टवेयर बनाने हैं और आपके कोई कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर, ज़्यादातर क्या बनते हैं बिलिंग के सॉफ्टवेयर बनते हैं, इसके अलावा और क्या सॉफ्टवेयर में कहाँ है, जहाँ पैसों की बात होती है वहीं पे सॉफ्टवेयर बनता है, अदरवाइज ऐसे थोड़ी कोई टाइम पास के लिए सॉफ्टवेयर क्यों बनवाएगा, ठीक है। तो वहाँ अगर 0.5 का भी आपने ऊपर नीचे करवा दिया तो उसको तो बड़ा लॉस हो जाएगा। जैसे एक सॉफ्टवेयर बनाया है हमने जो आज से 10 साल से चल रहा है, न्यूज़ एजेंसी का सॉफ्टवेयर, उसमें मार्जिन 0.25 पैसे का होता है, मतलब एक अखबार में 25 पैसे 50 पैसे 75 पैसे इस तरीके से बचते हैं। तो वहाँ अगर आपने इसका टेक केयर नहीं किया तो आंसर विल वेरी, और अगर आंसर वेरी कर गया तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ डेटा टाइप इज क्रूशल। तो जब आप काम करें तो इन फैक्टर्स को ध्यान रख के करना है,
ठीक है, इतना डन होता है। ओके, अब एक सिचुएशन और लेते हैं, ठीक है, और आप इस सिचुएशन में मेरी हेल्प करना, मैं क्या करूँ। मान लो यहाँ तक तो कहानी सही थी, अब सिचुएशन बन गया इंटीजर n1, n2, n1 में 4 है, n2 में 3 है, यहाँ n1 है और यहाँ n2 है। अब इसका आंसर क्या है? हाँ बता दो, कोई भी बता दो। 1.0 चलो ठीक है, ठीक है, लेकिन अब मुझे आंसर लाना है 1.33, वही वाला जो लाना है। अब क्या करूं? ठीक है, मैं यहां कर दिया, ये कर दिया, लेकिन इसे चलाने से पहले एक चीज सोचो, लाइन नंबर 17 क्या बनी, फ्लोर किस में साइन हो रहा है? N2 में, N2 की टाइप क्या है? तो वो तो फिर इंटीजर बन जाए, फिर 3 बन जाएगा, तो जब आप चलाओगे नो चेंज, यानी कि पुराने वाली टैक्टिक्स यूज नहीं होने वाली है जो हमने लर्न की है। पहला सॉल्यूशन, आप इसे फ्लोट ही बना लो, सबको फ्लोट ले लो, देखो एक बेटर सॉल्यूशन यही है कि आपने इंटीजर नहीं लेना, आप सारे फ्लोट ले, फ्लोट में आ गया तो बात बन गई। लेकिन अगर फ्लोट नहीं लेना, यही सिचुएशन में अगर बिल्डअप करना है, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर नाउ सी लैंग्वेज आल्सो प्रोवाइड अस एक्सप्लिसिट कास्ट। एक्सप्लिसिट कास्ट जो तो आप कह रहे थे, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, वो अपने आप नहीं होती, ठीक है। एक्सप्लिसिट कास्ट, इन दिस कास्ट we have to write extra code for converting one type to another। एक टाइप से दूसरी टाइप में आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं? आप इसे किस फॉर्म में बनाना चाहते हो? पैरेंथेसिस लगाओ, ये लिखो, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? n2 में। पर रिमेंबर, वेरिएबल कन्वर्ट नहीं हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू कन्वर्ट हुई। तो आपके पास कई सिचुएशंस हैं जहां आप इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इतना कैप्चर होता है। तो आई थिंक ये रूलिंग आपको अब हेल्प करेंगी, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, और बेटर मैनर से करने के लिए, उनका राइट रिजल्ट लाने के लिए। अब मैं नहीं, मतलब मैं अब ये एरर एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि हमने लिखा है और सही नहीं चल रहा, ठीक है। अब एक छोटी सी सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, ये एडिशनल बिट है, हमें ट्राई करना चाहिए। मैंने इसको फ्लोटिंग ले लिया, आंसर क्या आएगा? समथिंग। मान लो मैंने यहां मॉडुलस लगा दिया, अब क्या आंसर आएगा? चलो ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है, पर वो मान नहीं रहा, ठीक है। क्यों नहीं मान रहा वो देखते हैं। तो एक पॉइंट और याद रखना है, मॉडुलस ऑपरेटर वर्क विद इन टाइप वैल्यू, ठीक है। तो ये फ्लो डबल इन पे काम नहीं करता, कहा ना आपने कभी ट्राई करना, करेक्टर पे काम कर जाएगा ये क्वेश्चन। मैंने क्या बताया, करेक्टर इंटरनली क्या है? इंटीजर, तो कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुछ स्टेटमेंट्स को रिलेशन में देखनी पड़ेंगी आपको, कि करेक्टर क्या है इंटरनली, इंटीजर ही है, स्काई वैल्यूज ही हैं, तो उस स्काई वैल्यूज के हिसाब से आपने चला लेना। देखो पूरी लैंग्वेज हमारी रूल्स के ऊपर है, जितने ज़्यादा आपको रूल्स मालूम होंगे उतनी आपकी ग्रिप रहेगी लैंग्वेज में, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा क्या होगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे व्हाट विल बी द आंसर। तो जितने मैक्सिमम रूल्स हैं, मेरी कोशिश है मैं इस कोर्स के अंदर कवर करूं, पर लेकिन इस पर लेकिन एक चीज़ और है, मुझ पर पूरा भरोसा भी नहीं करना, कुछ खुद भी सर्चिंग में रहना कि कहीं उससे आपको मिल जाए, ठीक है। सर्चिंग करते रहोगे तो बेटर रहेगा, एक्सपेरिमेंट भी करते रहना। जैसे अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है,
अब पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं किया उसका नहीं मुझे पता, पर मैं वो ट्राई करके दिखाता हूँ। तो वो क्या है, मान लो मैंने एक नंबर लिया, एक करेक्टर सी एच लिया, मैं लिखा प्रिंट एफ एंटर एनी करेक्टर, सिंपल प्रोग्राम है जिसमें मैं इनपुट और आउटपुट करूँ, नम लिया ना, ठीक है, फिर मैं लिखा प्रिंट एफ करेक्टर परसेंट डी नंबर परसेंट डी सी एच, और कोई इशू कोई स्टेटमेंट में नहीं, मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो मैं डालता हूँ वाई 76, काम कर रहा है। तो मान लो मेरे ऐसे ही मन किया कि नहीं यार ये इनपुट ना कुछ ऐसे हो जाए, अब कोई चेंज आएगा प्रोग्राम में या नहीं आएगा, पहले मैं करेक्टर इनपुट करता था अब मैं इंटीजर इनपुट करता हूँ, नो चेंज। पर क्वेश्चन अगला ये उठता, कभी ट्राई किया ऐसा, कभी ट्राई किया तो इसका मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, फिर ट्राई नहीं किया ना तो क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए जो भी आपके दिमाग में उल्टा उल्टा बनता है वो ट्राई करना, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा ना। जैसे मुझे पता लगाना हो कि इस पर्सन को मेरी बात अच्छी लगी या बुरी लगी, तो कैसे पता लगे, उसे बोल दो, बात बोल दोगे तभी पता लगेगा अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, ऐसे नहीं पता लग पाएगा आपको, ठीक है। तो और फिर ये करने के बाद उस बात को याद रखना कि ये अच्छी लगी थी बुरी लगी। नंबर डाला मैंने 79 डाला, एंटर किया, क्या हुआ पहले तो मुझे बताओ, हुआ क्या, करेक्टर की वैल्यू नहीं आई या उसने करेक्टर की इनपुट ही नहीं मांगी, दोनों वर्डिंग में बड़ा फर्क है, यानी उसने उसको स्किप कर दिया। अब क्वेश्चन है क्यों स्किप कर दिया, कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं, अब हुआ क्या है वो मैं बताता हूँ। आपने 79 लिखा, फिर उसके बाद क्या किया आपने, एंटर हिट किया, एंटर किया ना, तो एंटर भी क्या है, करेक्टर है। एक्चुअली नीचे वाले स्कैनर ने उस करेक्टर को रीड कर लिया। अब ये देखो यहां पे वो न्यू लाइन में आया है, पहले ये साथ नहीं आए थे, अब यहां पे एक्चुअल में बैकस्लैश एन है तब वो न्यू लाइन में पहुंचा। क्लियर? तो अब अगला क्वेश्चन क्या उठना चाहिए, रोकेंगे कैसे। अब क्या होता है, हमारे पास एक कीबोर्ड है जहां से हम इनपुट करते हैं, इसका एक बफर होता है। बफर क्या होता है मैं बताता हूँ, जैसे आप कुछ की टाइप करते हो वो डायरेक्ट टाइप नहीं होती, पहले वो एक मेमोरी रीजन में जाती है जिसको बोलते हैं कीबोर्ड बफर, फिर वहाँ से वो वैल्यूज आगे पहुँचते हैं। अब वो जो बैक स्लैश एन है वो आपका बफर में पड़ा होता है, जब तो वो बफर में पड़ा हुआ है तो अगला करेक्टर इनपुट उसी को रीड करके काम चला लेते हैं, ठीक। तो इससे बचेंगे कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक ये मेथड, एक फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज टू क्लियर द इनपुट बफर एंड दिस फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड stdio.h के अंदर ये डिक्लेयर। तो आपने करना क्या है, इंटीजर का इनपुट करते ही ये कर दिया, अब चलाते हैं। अब क्या हुआ, एफ प्लस टीडी ने क्या किया, उस पुराने बैकस्लैश एन को कंज्यूम कर लिया, चलो मैं आपसे कुछ पूछा नहीं किया क्योंकि ये भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना। देखो अब वो उसने बैकस्लैश एन है उसे कंज्यूम कर लिया, मतलब उसने उसे इग्नोर कर दिया, अब वो इनपुट कर रहा है, ठीक है, क्लियर दिस आइडिया। तो वो इस तरीके से आपके पास डील करता है, हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा कुछ और एक रूल्स की बात बताते हैं, Math.h तो नहीं बताया ना मैंने, ठीक है। अब क्या है, इन सी लैंग्वेज
there is a special header file named Math.h, and this header contain function declaration of mathematical work. मतलब हमारे पास मैथमेटिकल वर्क करने के कई फंक्शंस हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर पहले से बने हुए हैं. तो एक फंक्शन है एस क्यू आर टी पाओ एफ मोड सील फ्लोर एंड लॉक्ड एटसेट्रा, ऐसे बहुत है. ठीक है, तो मैं कुछ प्रोग्राम इसके रिगार्डिंग बनाना चाहता हूँ. तो मैं इसमें डबल टाइप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्टली डबल टाइप वेरिएबल्स से डील करते हैं. तो डबल नम लिया और रिजल्ट लिया, और ऑब्वियसली बात है इस हेडर को आपको इंक्लूड भी करना पड़ेगा. तो मैंने यह लिया एंटर एनी नंबर. डबल के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है? एलडी. ठीक है, ये भी ठीक है. जैसे मेरे को डबल टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है तो उसके लिए कैसा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा? ठीक है, तो एलएफ लगेगा. ठीक है, तीन एमबी. अब मैं एसक्यूआरटी फंक्शन यूज कर रहा हूँ और ये स्केयर रूट निकाल कर आपको देते हैं. फॉर्मेट स्पेसिफायर ना, हर वेरिएबल की टाइप होती है, उस टाइप से एसोसिएटेड उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमें प्रिंट एफ कराते हुए स्कैन एफ कराते हुए उसकी ज़रूरत पड़ती है. इंटीजर का परसेंट डी है, शॉर्ट का परसेंट डी है, लॉन्ग का परसेंट एल डी है, फ्लोट का परसेंट एफ है, डबल का परसेंट एल एफ है, लॉन्ग डबल का परसेंट कैपिटल एल एफ है, और हमारे कैर का परसेंट सी. जैसी टाइप होती है उस हिसाब से हम लेते हैं. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये क्या करेगा, क्यूब निकाल देगा इसका, क्यूब ऑफ गिवन नंबर. जैसे आप पूछे थे ना एक शॉर्ट टर्म में लिखना हो तो वैसे लिख सकते हैं. उसके लिए पाव, यानी पाव मींस पावर, इस तरीके के फंक्शन है. इतना रन होता है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ आए, अब मैं एक नंबर इनपुट करूँगा, एक सीट एक फ्लोर होगा, ठीक है. इस फंक्शन को पहले तो जानने की कोशिश करते हैं फंक्शन करता क्या है. सॉरी, यहाँ पर अब जी मैंने डाला 5.6. अब ये काम कैसे करते हैं, 5.6 नंबर डाला, उससे बड़े नंबर जो कंप्लीट है, होल नंबर है, वो क्या होंगे? 5.6 है 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन. इनमें सबसे छोटा कौन है? 6. तो 6 आंसर आएगा सील का. फ्लोर क्या करता है, 5.6 से छोटे कितने हैं जो होल हैं? 5, 4, 3, 2, 1, 0, उनमें सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? 5. वो तो फंक्शन का प्रॉपर्टी है ना, फंक्शन ऐसे काम करता है. 5.6 है, उससे अबव जितने नंबर जो कंप्लीट हैं उनको उठाएगा वो. तो कौन से हैं वो? 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, उनमें सबसे छोटा तो 6 है. जैसे फंक्शन की वर्किंग है ना, तो वर्किंग मैंने एक्सप्लेन कर दी है. फ्लोर इस तरीके से काम करता है. इतना डन हुआ. अब हम बात करते हैं लॉग 10 की. लॉग 10 बड़ा कमाल का फंक्शन है. ठीक है, कमाल इसलिए क्योंकि वैसे लॉग 10 होता क्या है, कुछ एक्सप्लेन करोगे? अरे नहीं, एक बेस होता है ना लॉग का, एक 2 बेस होता है, 10 बेस होता है, और एक बेस एक, हाँ. तो अगर लॉग बेस 10 है तो ये एक्चुअली लॉग 10 का मतलब ये है, ये लॉग 10 की वैल्यू नहीं दे रहा, जो नंबर देगा उसकी वैल्यू देगा पर बेस लॉग 10 यानी बेस 10 लेके चल रहा है. तो उसको एलैबोरेट कैसे करोगे? अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो ये जो उसका आंसर देगा
तो कैसे कैलकुलेट करता है ये मैथमेटिकली? लोग टेबल देख के आप आंसर निकालते हो, पर लेकिन उसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला तो होगा। क्या आप कुछ मुझे इलैबोरेट करो, किसी को बताना हो, मान लो कोई छोटा भाई बहन ही पूछ ले तुमसे ये क्वेश्चन, अगर नहीं है छोटा भाई बहन तो पड़ोस का पूछ ले कोई, इट डजंट मैटर कि कोई पूछ ले, पूछ ले इसने। अगर मैं log 10 इसमें 1000 डालूंगा तो ये क्या आंसर देगा? क्यों नहीं देगा भाई, कुछ नहीं देगा। बताओ क्या देगा आंसर? अच्छा तो 3 किस बेस पे दिया उसने? तो उसको कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है, जो बेस है ना उसकी क्या पावर रखूं जिससे 1000 मिले, तो 3 है। ठीक है, ये इसका कैलकुलेट करने का तरीका होता है। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूं, इसको सील कर देता हूं इसके रिजल्ट को, ठीक है। अगर मुझे किसी नंबर के टोटल डिजिट निकालने हैं, कितने डिजिट का नंबर है ये, अगर मैं किसी की लॉग 10 का सील कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे 5 आ गए। अगर मैं 6 डिजिट का कर देता हूं तो 6 आंसर आ गए। तो ये अगेन फॉर्मूला है, मतलब यानी इनके कॉम्बिनेशन से कई अच्छे फॉर्मूलाज बिल्डअप हो जाते हैं। ये तो एक प्रॉपर्टी है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्डअप कर रखा है कि आप किसी नंबर का लॉग 10 निकालो और उसको सील कर दो, और सील क्या था, उस नंबर से बड़ों में सबसे छोटा, ठीक है, तो वो उसके टोटल डिजिट्स होंगे। मतलब अभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई काउंट द टोटल डिजिट ऑफ ए नंबर का प्रोग्राम बना दो, तो एक टेक्निक क्या है, एक फॉर्मूला है, मतलब दो फंक्शन इस तरीके से कंबाइन करके आप निकाल सकते हो। तो फिर तो यार एक डिजिट कम आएगा, 4 आएगा आंसर, फिर देखो ना 5.93 आया, फिर तो 5 आंसर आ जाएगा, फिर उसका कोई रिलेशन नहीं बना ना, सिग्निफिकेंस नहीं बनी। कर सकते हो लेकिन हम तो एक सिग्निफिकेंस आंसर लाना चाहते ना, तो उसलिए इतना डन होता है। अब मैंने एक फंक्शन यूज लिखा था जो मैंने अभी तक बताया नहीं, दैट इज एफ मोड। अभी एफ मोड क्या होता है वो बताओ, मैं दो नंबर लिए n1 n2 और यहाँ मैं लिखा और यहाँ मैं लिखा n1 में 5 n2 में 2 और मैंने यहाँ लिख दिया n1 मॉडुलस n2। अब क्या आंसर आएगा? 7। ठीक है, वेरी गुड। पर आज ही सुनो, आज ही मैंने बताया कि भाई मॉडुलस पे काम नहीं करता वो, तो जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो फ्लोट टाइप वैल्यूज पे काम नहीं करता। तो बहुत बेचारा इंटीजर से, ठीक है, तो भाई बी अलर्ट। तभी तो मैं क्लास कभी भी 40 मिनट से ज्यादा लेना प्रेफर क्यों नहीं करता, एक रिटेंशन पावर होती है माइंड की, वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं 2 घंटे पढ़ा दो, 3 घंटे पढ़ा दो, 3 घंटे पढ़ा के 4 दिन में कोर्स खत्म कर दो, यही रीज़न है और कुछ नहीं है, क्योंकि एट द लास्ट ये सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। अब एक टॉपिक है कमेंट, कमेंट क्या है, दीज आर द लाइन विच इज इग्नोर्ड बाय सी कंपाइलर एंड दे आर यूज टू explain coding work for other developer। जैसे मान लो आपने कोड लिखा, आपके दिमाग में कुछ चल रहा था और आपने वो प्रोग्राम लिख दिया, अब एक सेकेंड पर्सन उस कोड को पढ़ रहा है, उसे क्या पता आप क्या चाहते हो, अब उतना दिमाग थोड़ी आएगा कि आपके माइंड की इंटरप्रिटेशन जो आप लिख रहे हो उसको ग्रैप कर पाए।
तो कमेंट इस केस में डेवलपर बहुत यूज करते हैं, तो पहला तो आता है सिंगल लाइन कमेंट। याद रखना इससे कुछ प्रोग्राम में फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप एक लाइन को कमेंट करना चाहते हो, यानी आप ये चाहते हो इस लाइन को आपका कंपाइलर इग्नोर कर दे, तो आप उसके आगे दो स्लैश लगा दो। और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है, जैसे आप बहुत लंबी स्टोरी लिख के बताना चाहते हो, जैसे आपने फर्स्ट लाइन लिखी, सेकेंड लाइन लिखी एंड थर्ड लाइन लिखी, और इस तरीके से क्लोज करो। तो जो भी इसके बीच में लिखा आएगा वो ऐसे लिखा है। तो जैसे मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, अब जो एफ मोड नाम का फंक्शन है ना, वो फ्लोटिंग में मॉडुलस निकालने के काम आता है। ये इसका मतलब ये है, N1 का मॉडुलस N2 निकाल कर देगा। तो चलाओगे अब ये मान जाएगा, आपको आंसर मान जाओ, ठीक है। अगर आपने फ्लोटिंग का मॉडुलस निकालना पड़ जाए तो इस तरीके से कर सकते। तो आज की कहानी यहीं पर रैप होते, बाकी कल डिस्कस करेंगे।